यूपी विधानसभा का सत्र भले ही छोटा था, लेकिन इस छोटे से सत्र में विपक्ष का आक्रमण बहुत बड़ा था। और इसी कड़ी में अखिलेश यादव के बाद पल्लवी पटेल, जो कि सिराथू से विधायक हैं और अपना दल कमेरावादी की सदस्य हैं और कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने आज ऐसा भाषण दिया जिसके बाद सरकार के फाख्ते उड़ गए और उन्होंने ऐसे ऐसे आरोप लगा दिए अनुपूरक बजट की आड़ में, जिसको लेकर के विपक्ष के सभी नेताओं ने न सिर्फ ताली बजाई बल्कि उनका वीडियो वायरल हो रहा है। क्या है वायरल वीडियो में, आप भी देखिए। श्रीमती पल्लवी पटेल जी, धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय। आज सदन में चर्चा का विषय है अनुपूरक अनुदान की मांगों पर चर्चा, और जब इस बजट को मैंने पढ़ा तो सबसे पहले मेरे दिमाग में यह ख्याल आता है कि क्या है यह अनुपूरक बजट। ये है भारतीय जनता पार्टी का अनुपूरक बजट, वो भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को इस विश्व की सबसे बड़ी संगठन होने का दंभ भरती है और डंका पीट कर कहती है। अगर डंका पीट कर कह रहे हैं तो इसी सदन में अभी 5 मिनट पहले मैंने एक टिप्पणी सुनी है बहुत ही सीनियर सदन के सदस्य के द्वारा कि सांच को आंच नहीं। तो अगर सांच को आंच नहीं है तो इस सवाल का जवाब दीजिए कि उत्तर प्रदेश क्या सिर्फ हिंदुओं का प्रदेश है? एक धर्म के नाम का, एक धर्म विशेष के नाम का तुष्टिकरण करते हैं, और अगर पूछा जाएगा तो आप कहेंगे नहीं होता। कैसे नहीं होता? अगर नहीं होता है तो आप बताइए इस बजट में आपने जैनों को क्या दिया है, आपने सिखों को और गुरुद्वारों को क्या दिया है, आपने बौद्धों को और बौद्ध मठों को क्या दिया है, आपने कबीर पंथों को क्या दिया है, और बहुत दूर मत जाइए आपने नाथ संप्रदाय को क्या दिया है। क्या ये धर्मस्थल और इन धर्मों में आस्था रखने वाले लोगों की आस्था आस्था नहीं है? आपके लिए बहुत अहम है कि इन विषयों पर चर्चा, और आपको इस बात की तनिक भी चिंता नहीं है और तनिक भी गंभीरता से आप ये नहीं सोचना चाहते कि उत्तर प्रदेश की बहुसंख्यक आबादी इस देश के दलित और पिछड़ा ने बनाई है, और उनके हक और अधिकारों की चर्चा इस सदन में प्राथमिकता के आधार पर होनी चाहिए। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस बात को मैंने इसलिए उठाया है क्योंकि मैंने उत्तर प्रदेश में जातिवार जनगणना पर चर्चा के लिए अपना निजी विधेयक प्रस्तुत किया है, और वास्तविकता यह है कि यह विधेयक भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के द्वारा होना चाहिए था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पिछड़ों और दलितों के नाम पर सत्ता लेकर आप बैठे हुए हैं, तो यह विधेयक भी आपके द्वारा आना चाहिए था। और ऐसा नहीं है, पर्याप्त संख्या में भारतीय जनता पार्टी में पर्याप्त संख्या में दलित और पिछड़ों की नुमाइंदगी करने वाले, प्रतिनिधित्व करने वाले यहाँ पर सदस्य बैठे हुए हैं, लेकिन सबके सब पंगू हैं, और आप पंगू हैं इसलिए यहाँ पर आप जैन कहें या कुछ भी कहें, सच्चाई नहीं छुपने वाली। माननीय सदस्य पीछे क्या है, माननीय सदस्य यहाँ पर दलित और पिछड़ों का साथ करने का काम कर रही है। यहाँ पर अगर बात करो अनुसूचित जनजाति की, यहाँ बात करो जातिवाद जनजाति की, माननीय सदस्य पल्लवी पटेल जी पीछे में आइए, सप्लीमेंट्री बजट में आइए। क्या हटाएंगे आप कि सदन में दलित और पिछड़ों की बात पर रखी जा सके, कार्रवाई में जितना किया जा सके, ऐसे सदन में मैं क्यों बैठूंगी, क्योंकि मुझे समाज के नाम पर दलित और पिछड़ों की आवाज उठाने के लिए बुलाया है। इसलिए पल्लवी पटेल जी, माननीय पल्लवी जी, माननीय पल्लवी जी विषय पे आए, विषय पे सप्लीमेंट्री बजट पे। माननीय अध्यक्ष जी,